आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन क्या हो सकता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा, इसके लिए देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड होता है जब कोई ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, कोई भी बॉडी अगर एक ही स्पीड से मूव कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब एक किलोमीटर अगर वो चल रहा है, एक मीटर ट्रेवल किया अगर 10 सेकेंड में, या समझ लीजिए 10 मीटर ट्रेवल किया 10 सेकेंड में, तो अगला 10 मीटर भी ये 10 सेकेंड में ही कवर होना चाहिए। फिर अगला 10 मीटर के लिए 10 सेकेंड ही टाइम लगना चाहिए। अगर ऐसा कोई मोशन हो रहा है तो हम इस तरह के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड। मोशन मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है, स्पीड है तो पोजीशन चेंज होगा ही होगा। एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक ऑब्जेक्ट जाएगा तो उसका पोजीशन चेंज होते जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन जब कभी इक्वल डिस्टेंस चेंज हो, इक्वल स्पीड चेंज हो, उस तरह से हम लोग बोलेंगे कि ऐसे मोशन को, ऐसे स्पीड को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे आपको बोला जाए कि इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे स्पीड निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, डिस्टेंस बाय टाइम 10/10 यानी 1 मीटर सेकेंड। अगर बी पॉइंट में बोला गया तो यहाँ भी अगर हम निकालेंगे तो 10/10 1 मीटर पर सेकेंड। अगर इस सी पॉइंट पे भी बोला जाए तो 10/10 1 मीटर पर सेकेंड। इस बॉडी का जो स्पीड है, इस पूरे बॉडी का पूरे जर्नी में स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है। ऐसे स्पीड को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड ऐसा स्पीड होगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस टाइप ऑफ स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। और ऐसे ही मोशन को यूनिफॉर्म मोशन भी कहेंगे। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन होगा, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन भी बोला जाए तो यही चीज होगा, जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया जाए उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड। अगर इसका अपोजिट हो, मतलब टाइम इंटरवल इक्वल हो, अगर 10 सेकेंड में एक ए पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और इसने 10 मीटर ट्रेवल किया, अगला ये बी तक जाने में इसने टाइम ले लिया सिर्फ 5 सेकेंड, फिर अगले सी तक जाने में इसने ये 10 मीटर ट्रेवल किया और यहाँ पे टाइम लिया 10 और 10 मीटर, इस बार 10 मीटर ट्रेवल किया और टाइम ले लिया इसने 5 सेकेंड। तो देखिए यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ के बाद इसने क्या हुआ, टाइम का चेंजेज हो गया या फिर डिस्टेंस का चेंजेज हो जाए, या फिर कहेंगे कि अगर 5 मीटर ही जा रहा है और 1 सेकेंड टाइम लिया, तो ऐसे स्पीड को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा, जिसमें डिस्टेंस जो हो वो अनइक्वल हो और टाइम इक्वल हो सकता है, टाइम जो है वो इक्वल हो सकता है और डिस्टेंस क्या हो, अनइक्वल हो, तो ऐसे स्पीड को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग लिखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या होगा डिफिनेशन। तो देखिए डिफिनेशन ऐसा ही है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए,
नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड, स्पीड पढ़ रहे हैं तो स्पीड लिख देते हैं, मोशन भी समझिए। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल है तो यहाँ पे अनइक्वल लगा देंगे, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम टाइम देन दिस टाइप दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म, दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे, वो जो मोशन करे तो एक अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, यहां से चलना शुरू किया इस पॉइंट तक, सी पॉइंट तक, इसने रास्ते में ए पॉइंट तक पहुंचा तो 10 मीटर ट्रेवल किया 10 सेकेंड में। अगले बी पॉइंट तक पहुंचने में इसने 20 मीटर ट्रेवल किया 10 सेकेंड में। अगले सी पॉइंट तक सिर्फ 5 मीटर ट्रेवल किया 10 सेकेंड में। अब इसको देखिएगा तो इसका स्पीड हर पॉइंट पे जो ए बी सी पॉइंट हम बनाए हैं यहां तक में, इसका हर जगह स्पीड अलग अलग है। मतलब ये जो है स्पीड, ये होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कैसे पता चलेगा, जब डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस अनइक्वल हो, टाइम इंटरवल इक्वल हो, उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब इसका स्पीड इस पॉइंट पे क्या है, अलग है, इस पॉइंट पे अलग है, इस पॉइंट पे कुछ और है। तो स्पीड एक जैसा नहीं हो, एक जैसा नहीं हो, इक्वल नहीं हो, उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दोनों के ग्राफ कैसे बनेंगे। जैसे दोनों का अगर ग्राफ दे दिया जाए, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो कैसे पहचानेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, तो इसको लिखिए, इसके बाद हम लोग करेंगे कि अगर इसका ग्राफ दे तो उस ग्राफ को कैसे समझेंगे। चलिए इसको लिख लीजिए सब लोग। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसका ग्राफ। तो ग्राफ के लिए हम यहां पर ग्राफ खींच देते हैं। ये सबको दिख रहा है। चलिए इसी बॉडी का बनाते हैं, जो ये बॉडी ट्रेवल कर रहा था 10 सेकेंड में, मतलब जीरो यहाँ हो गया 10 सेकेंड, टाइम के बढ़ते जाएगा, दूसरा बार 20 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, ये हो गया टाइम। और ऊपर हम लोग डिस्टेंस के लिए बनाते हैं, ऊपर डिस्टेंस का बनाते हैं, इसको मिटा के यहाँ लिखते हैं 10/10 1 मीटर पर सेकेंड, ये है डिस्टेंस के लिए मीटर में। तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 10, ये 20, 30, देखिए 10-10 का गैप है, यहाँ भी 10-10 का, इसी को हम ग्राफ पे शो कर रहे हैं। तो ये 10 मीटर ट्रेवल किया है 10 सेकेंड में, तो 10 मीटर और टाइम 10, तो 10 के सामने 10 यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह अगला 10 सेकेंड टाइम ये रहा, और अगला इसका यहाँ से 10 मीटर का डिस्टेंस ये रहा। तो इन दोनों को अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचे तो ये दोनों यहाँ पर कुछ ऐसे मिलेंगे। उसी तरह तीसरा यहाँ से 10 सेकेंड ये 30 हुआ, और यहाँ से 10 सेकेंड ये 30 हुआ इस पॉइंट पे। तो ये रहा इस पॉइंट के सामने बिल्कुल यहाँ पर। जब इस सारे पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, सारे पॉइंट को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो देखेंगे स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ये स्ट्रेट लाइन हमें शो करता है यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। मतलब स्ट्रेट लाइन मिले तो आप समझ लीजिएगा वो कौन सा स्पीड होगा, यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड का ये ग्राफ था, इस ग्राफ को यहाँ बना करके हम दिखाएं। अब यहाँ पर बनाते हैं हम, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। देखिए इसमें भी यहाँ डिस्टेंस और टाइम का लेते हैं ग्राफ, ये रहा डिस्टेंस और ये है टाइम। देखिए पहला 10 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड, टाइम इंटरवल सेम है 30 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितना जा रहा है,
10 मीटर, ये है 10 मीटर, ये 20 मीटर और ये 30 मीटर। तो देखिए पहला 10 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, 10 मीटर पे, और ये रहा 10 मीटर। फिर क्या जा रहा है, अगले 10 सेकेंड में ये 20 मीटर ट्रेवल कर रहा है, अगला 10 सेकेंड ये रहा और 20 मीटर, यहां से 10 और 10 20, मतलब ये चला गया यहां पर। अगले 10 सेकेंड में 35 कुछ यहाँ आएगा और 5 मीटर ये आगे चला जाता है। तो अगले 10 सेकेंड में हम बात करेंगे, अगर अगले 10 सेकेंड में तो कहीं ये यहाँ रहेगा, इस मोशन को अगर आप मिलाओगे तो ये जो मोशन है आपको एक कर्व्ड मोशन मिलेगा। ऐसे मोशन को, जब कर्व्ड मोशन मिल रहा है ऐसे को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या शो करेगा, कर्व्ड मोशन। कर्व्ड मोशन रहेगा, कर्व्ड ग्राफ रहेगा, कर्व्ड लाइन रहेगा, तो उसको हम लोग समझेंगे, उसको समझेंगे क्या कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो समझिए ये जो टॉपिक हम बता रहे थे, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसको कैसे समझेंगे, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म को। जब आपको ग्राफ दिया हो स्ट्रेट लाइन, वो होगा आपको यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक ही स्पीड से चल रहा है, हर पॉइंट पे स्पीड सेम है, हर पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन पे। लेकिन जब कर्व दिया हो तो हर पॉइंट पे स्पीड अलग है, मतलब ये है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इस नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म स्पीड से रिलेटेड ही टॉपिक है। अगर स्पीड को एक और क्वांटिटी के साथ हम रिलेशन में लाए तो क्या बनता है। ठीक है, अगर स्पीड को हम एक और क्वांटिटी टाइम के साथ देखें, जब स्पीड चेंज हो रहा हो तो क्या होगा, इसके बारे में अभी हम लोगों को स्टडी करना है। तो ये दो चीजें और दो ग्राफ आप लोगों को याद रहना चाहिए। इसके बाद एक तुरंत एक क्वेश्चन है जिसको आप लोग करोगे, जिसको क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जैसे कई बार आपको दे सकता है। तो चलिए लिखिए जल्दी, 1 2 3 करते हैं इसको, करें। लिख लिए सब लोग, बोलिए। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म स्पीड से रिलेटेड ग्राफ का कुछ क्वेश्चंस किया जाता है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस किया जाता है। जो लोग नए लिखे हैं परेशान नहीं होना है, ये सेम लेक्चर यूट्यूब पे आएगा तो वहां से आप लोग लिख सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखिए ध्यान से। अगर आपको एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए ऐसा, आपको एक ग्राफ शो किया जाए, एक ग्राफ ऐसा डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, टाइम का, और एक ग्राफ ऐसा पूछ दिया जाए, और जो ये पूछा जाए कौन यूनिफॉर्म स्पीड है कौन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, स्ट्रेट लाइन जहां दिखे उसको आप लोग सीधा समझिए कि ये यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन होगा। और जहां भी आपका कर्व लाइन दिखे वहां पे आप समझिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब यहाँ पे भी स्पीड आपका जो था एक जैसा था, यहाँ पे स्पीड जो है वो चेंज हो रहा था, स्पीड हर बार चेंज हो रहा था। अब इसी चीज को हम लोग स्टडी करेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में स्पीड जो चेंज होता है वो कैसे चेंज होता है और उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पे बात करें, इसी ग्राफ को हम फिर बात करेंगे, इसी ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग करते हैं अब बात यूनिफॉर्म स्पीड को आगे, जिस स्पीड को चेंज होते जा रहा है उस स्पीड के बारे में। जैसे हमारे पास एक यहाँ पे कार है या बस है जो कहिए, ये बस एक इस यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ये यहीं तक पहुंचा 10 सेकेंड में, इसने 10 मीटर ट्रेवल किया, लेकिन अगले 10 सेकेंड में, मतलब जब टाइम 20 सेकेंड बीत गया तो इसने ट्रेवल कर लिया डिस्टेंस कितना, 20 मीटर, और अगले 10 सेकेंड में
मतलब 30 सेकेंड जब टाइम बीत गया तो इसने समथिंग 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, और ऐसे ही ये ट्रेवल करते जा रहा है। मतलब 10 सेकेंड के बाद यहाँ पहुंचा तो इसकी जो स्पीड रही वो कुछ यहाँ से रहा, स्पीड काउंट कर सकते हैं, यहाँ स्पीड निकाल सकते हैं, यहाँ भी स्पीड निकाल सकते हैं। तो इसकी स्पीड ऐसे चेंज होते जा रहा है। अगर स्पीड चेंज होते जा रहा हो तो इसको हम लोग दूसरा नाम कहेंगे, एक दूसरे तरह का मोशन में इसको रखेंगे, अगर इसको टाइम के अकॉर्डिंग अपना स्पीड चेंज कर रहा हो। जैसे अगर स्पीड चेंज करने की बात कहें, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड और 30 मीटर, 50 मीटर पर सेकेंड था। अगर ये टाइम 10 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड में इसने अपना स्पीड इतना चेंज किया, मतलब ये क्या हुआ, स्पीड धीरे धीरे देखिए बढ़ा रहा है। स्पीड 10 से 20 हुआ, 20 से 50 हुआ, टाइम तो इंटरवल वही है लेकिन टाइम के इंटरवल के अनुसार वो क्या कर रहा है, अपना स्पीड बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है मतलब स्पीड चेंज कर रहा है। जो भी इस ऑब्जेक्ट अपना स्पीड में चेंज करे अकॉर्डिंग टू टाइम, देन दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या कहलाता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी में या स्पीड में चेंज करे उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे उसको, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन लिखिए, एक्सीलरेशन क्या होगा, ये होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट to time is called acceleration। acceleration हम कहेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट अपना वेलोसिटी चेंज कर रहा हो, जैसे ये अपना वेलोसिटी चेंज कर रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट में पाथ पे चल रहा होता है तो उसको बोलेंगे कि ये वेलोसिटी अपना चेंज कर रहा है। स्पीड एंड वेलोसिटी में हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि क्या होता है स्पीड और वेलोसिटी। तो जब ये वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है। जैसे हम जनरल में बात करते हैं कि बाइक को इतना एक्सेलरेट कीजिए, एक्सेलरेट कीजिए मतलब उसकी स्पीड को चेंज कीजिए, जो भी स्पीड है उसको चेंज करते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड है 20 कर देते हैं, 30 कर देते हैं। तो इस तरह से अगर स्पीड में चेंजेज आता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, एक्सेलरेशन। अब देखिए इसमें दो पॉइंट है, एक शुरुआत में स्पीड जब हमने देखा, जब वो गाड़ी हमारे सामने आई तो हमने देखा जो टाइम, उस समय उसका जो स्पीड था उसका नाम है इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी। जो शुरू का वेलोसिटी था वो था इसका इनिशियल वेलोसिटी। ये याद रखना है कि अगर शुरुआत का जो वेलोसिटी होता है उसको इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता है, और जो फाइनल वेलोसिटी मतलब रुकने से पहले जस्ट उसका क्या वेलोसिटी था, या हमें जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है वहां पे उसका क्या वेलोसिटी था, उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। मतलब जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है इसको बोला जाता है इनिशियल वेलोसिटी, और जो फाइनल वेलोसिटी है लास्ट पॉइंट उसको बोला जाता है फाइनल वेलोसिटी। ये याद रखना है आपको। अब एक चीज और है, इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट किया जाता है, यू से, और फाइनल वेलोसिटी को वी से। ये सब चीजें इक्वेशंस को प्रूफ करने में हम लोग लेंगे। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट यू था पहले इसका स्पीड, फिर वी हो गया, मतलब इसने स्पीड को चेंज किया, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसे निकालेंगे, उसका क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो स्पीड चेंज कितना हुआ है, फाइनल स्पीड में से इनिशियल स्पीड को घटा देंगे तो चेंज निकल जाएगा। जैसे 10 मीटर था 40 मीटर पर सेकेंड हो गया, 10 मीटर था 40 मीटर पर सेकेंड हो गया, कितना चेंज हुआ, 30 चेंज हुआ है। मतलब फाइनल 40 में से स्टार्टिंग का 10 घटा देंगे मीटर पर सेकेंड तो हमें आ जाएगा कि स्पीड में कितना चेंजेस हुआ है। तो स्पीड में चेंजेस, वेलोसिटी में चेंजेस कैसे काउंट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, फाइनल जो वेलोसिटी रहेगा उसमें से स्टार्टिंग का वेलोसिटी को घटा देंगे। कोई भी चीज है ऐसे ही हम करते हैं, जैसे ये हमारे पास एक इतना बड़ा हमारे पास एक लाइन है, हम मान लिए कि ये स्टार्टिंग में ये लाइन इतना छोटा था 2 मीटर का, अब इसको बढ़ा के हमने कर दिया 4 मीटर का, ये टोटल हो गया कितना, 4 मीटर। अगर पूछा जाए कि कितना चेंज हुआ तो आप तुरंत करोगे फाइनल माइनस इनिशियल, 4 माइनस 2, 2 चेंज हुआ। उसी तरह एक्सीलरेशन कितना हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, नहीं भूलना है, बाई
टाइम। तो ये एक फॉर्मूला बन गया इस रिलेशन का। तो इस रिलेशन का फॉर्मूला क्या बन गया कि फाइनल वेलोसिटी जो होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी को और टाइम से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। कि एक्सेलरेशन कहीं भी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तुरंत पता होना चाहिए कि फाइनल क्या है और इनिशियल क्या है। अब ये बात ध्यान रखिए, फाइनल वेलोसिटी कभी 30 भी हो सकता है और कभी 30 से जाकर के 10 भी हो सकता है। तो इसलिए जो भी रहेगा वही लिखेंगे। ये नहीं कि अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड अभी 30 है, फिर 20 हुआ, फिर 10 हुआ फाइनल, तो हम उसको ले लिए इनिशियल। नहीं, जो फाइनल जब रुक रहा है उस समय का स्पीड है फाइनल। जब वो स्टॉप, बिफोर स्टॉप जो स्पीड है, उसमें से बेस्ट पहले जो स्पीड है वो, और स्टार्टिंग स्पीड है, स्टार्टिंग जो वेलोसिटी है उसको हम लोग बोलते हैं, स्टार्टिंग वेलोसिटी को हम लोग नाम दे दिए क्या, इनिशियल वेलोसिटी। ये जो दो चीज याद रखना है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है। अब एक्सेलरेशन क्या है कि ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी अगर वेलोसिटी है तो इससे बना एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो सबसे पहले ये देखिए, इसमें से वेलोसिटी में से वेलोसिटी को घटाएंगे तो एक वेलोसिटी ही मिलेगा, और उस वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे, मतलब एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका, इसकी बात करते हैं। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट मीन्स वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम, ये है। कैसे निकालेंगे ये देखिए, वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाइए तो वेलोसिटी आएगा। मान लीजिए यहीं पे हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, चलिए यहीं पे एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, यहाँ 50 मीटर पर सेकेंड है, चलिए 50 मीटर पर सेकेंड लिख दिए, माइनस इनिशियल कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड लिख दिए। टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल कितना टाइम लगा, 10, 20, 30 सेकेंड, तो लिख दिए 30। अब ये क्या है, सेकेंड, ये क्या है, मीटर पर सेकेंड। घटाएंगे तो होगा 40 मीटर पर सेकेंड बाई 30 सेकेंड, 0 0 कैंसिल, 4/3 मीटर और नीचे 2 सेकेंड, ये सेकेंड पर सेकेंड नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 मीटर, एक सेकेंड आ गया, एक और सेकेंड आ गया, तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये हो गया क्या, 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये याद रखना है कि 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो निकाले इसका एक्सेलरेशन, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा हम लोग कर लेंगे, ठीक है, जो नहीं लिखे उनको आज रात में वीडियो देख लेना, ठीक है, और उसका फोटो भेज देंगे हम आपको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइम बहुत कम है तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये याद रखना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है एक्सेलरेशन, ये याद रखना है आपको। हम लोग ये सारा एक्सेलरेशन निकाले किसमें, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, जिसका स्पीड चेंज हो रहा हो। तो क्यों चेंज हो रहा है, उसके पीछे कारण कौन है, उसके पीछे कारण है एक्सेलरेशन, स्पीड इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। चलिए जिनको नहीं लिखे उनके लिए यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, जिनको समझ में भी नहीं आया होगा एक बार देखिएगा, सेम टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में दो टाइप्स के एक्सेलरेशन है, एक का नाम है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, और दूसरा का नाम है नेगेटिव
उसका भी तीन नाम है, तीनों लिख देते हैं, नेगेटिव या फिर रिटार्डेशन या फिर तीसरा नाम डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन भी बोला जाता है इसको। ये तीनों नाम से आप लोग इसको जाने जाता है। तो आप लोग याद रखिए, एग्जामिनेशन में ज्यादा डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन कुछ भी पूछ सकता है। तो इसमें क्या होगा, जब स्पीड इंक्रीज हो रहा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। व्हेन द वेलोसिटी विल बी इंक्रीजेस, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, देन दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, एक्सेलरेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो जब स्पीड वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा हो, स्पीड बोला जा रहा है, आज से स्पीड हम बोल रहे हैं, तो आप समझिए स्पीड विथ डायरेक्शन, आप समझिए स्पीड विथ डायरेक्शन बोल रहे हैं, तो वो हो गया वेलोसिटी। तो द वेलोसिटी इज व्हेन द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग देन दिस टाइप ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, ये तीनों में से कोई भी नाम लिख लीजिए, नेगेटिव रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, आप सब नाम लिख लीजिए, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पर एक बस है जिसका स्पीड यहाँ कुछ और है, स्टार्टिंग में 20 मीटर पर सेकेंड था, बढ़ते 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 जब ये रुकने से पहले इसकी स्पीड चेंज होके हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ 50 मीटर पर सेकेंड हो गया और ये टाइम लिया सिर्फ 10 सेकेंड था, ऐसे स्पीड को हम लोग बोलेंगे क्या, ऐसे एक्सेलरेशन को बोलेंगे पॉजिटिव। और जब इसी बस की, जब यही बस रुकना चाह रहा हो और इसकी स्पीड हो 50 मीटर पर सेकेंड और यहां से हो जाए फाइनल 10 मीटर पर सेकेंड, इसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर डी एक्सेलरेशन 10 सेकेंड में अगर ये चेंजेस हो रहा हो। आप निकाल के देखिए एक्सेलरेशन, यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन, फाइनल 50 माइनस 20 बाई 10 प्लस आएगा 30 बाई 10, क्या आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। इसका निकाल करके देखिए 10 माइनस 50 फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल है ये इनिशियल है, 10 माइनस 50 बाई 10 माइनस 40 बाई 10 नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आया माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, कितने टाइप्स के एक्सेलरेशन है हमारे पास, और ये एक्सेलरेशन है दो टाइप्स के, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब हुआ जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड इंक्रीज कर रहा हो, और नेगेटिव का मतलब हुआ जब स्पीड डिक्रीज कर रहा हो, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट अपना स्पीड बढ़ा रहा हो उस समय पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे, और जब कोई ऑब्जेक्ट अपना स्पीड घटा रहा हो तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को ग्राफ पे कल बना के लाना है, इसको एक बॉल हमने यहां से छोड़ा और ये बॉल ऐसे गिरा यहाँ पर, और यहां से फिर ये बॉल ऐसे मूव करना शुरू हो गया, इसकी वेलोसिटी यहां से ऐसे आके मूव करने लगा, ठीक है, मूव करने लगा। तो इसका एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन दोनों बताना है। ये बहुत दूर तक है, ये बहुत दूर तक है, इनफाइनाइट लंबा है ये, लेकिन ये ऐसे गिरा, मतलब एक ढलान है ऐसे, यहाँ से एक बॉल को छोड़े ऐसे गिरा और ऐसे सीधा चला गया। तो कितना एक्सेलरेशन होगा और कहाँ एक्सेलरेशन होगा, किस पॉइंट पे एक्सेलरेशन, कहाँ से कहाँ तक, चलिए पॉइंट दे देते हैं ए से बी और बी से सी, आपको बताना है कहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ये टर्म्स आपको बता देना है, ठीक है। तो
अभी आपका आवाज हमने नहीं सुना, इसलिए अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसलिए आप क्या करिए,